जब ये पार्टिकल इस सर्कल के ऊपर घूम रहा होगा किसी स्पीड v से घूम रहा है मान लो, तो ये कुछ एंगल भी कवर कर रहा होगा कंटिन्यूसली, पहले यहाँ पे था फिर बाद में यहाँ पे पहुंच गया, तो देखो इसने कुछ एंगल कवर कर लिया, ये वाला कुछ एंगल इसने कवर किया, तो इसी एंगल को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पूरा एक चक्कर लगा के वापस यहीं आ जाएगा तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, कितने एंगल से घूम जाएगा, 2π एंगल से, 360 डिग्री से, तो 2π हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दो चक्कर लगा लेगा तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2 × 2π यानी कि 4π। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या माना जाता है, वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, जो डायरेक्शन है उसको बताने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है। ये जो राइट हैंड थंब रूल है इसके अकॉर्डिंग जिस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाया तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो किधर माना जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया जाएगा।